हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका HBSE सीरीज में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन जो कमला दास ने लिखा है, जिसका नाम है माय मदर एट 66। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक वृद्ध महिला होती है जो लेखिका की माँ होती है और वह 66 ईयर ओल्ड की होती है। तो फ्रेंड, ये रही हमारी समरी। तो फ्रेंड, ये सिंपल सी बात है। इसमें समरी क्या है, तो कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचिंग जा रही है, ठीक है। वह अपने माता पिता को छोड़कर कोचिंग जा रही है। वह कार से जा रही है एयरपोर्ट पर। वहां पे तो उसकी माँ हवाई अड्डे से उसे अलविदा कहने के लिए उसके साथ जा रही है, ठीक है। उसकी माँ उसके साथ है अलविदा वगैरह कहने के लिए। तो फ्रेंड्स, उसके वह बगल में बैठी हुई कार में, तो फ्रेंड्स उसका वहां रही है और उसका मुंह भी खुला हुआ है। तो फ्रेंड, कवित्री उसके चेहरे को देखती है और उसका रंग एक लाश की तरह पीला और राख जैसा दिखाई देता है। वह एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। वह शीघ्र ही अपने विचारों, मतलब ये जो भी उसके मन में मृत्यु वाली बात आई है, उसको भूल जाती है और अपने दिमाग से निकाल देती है। तो फ्रेंड्स, वह दूसरा सीन की ओर चलते हैं। तो कवित्री कार के बाहर देखती है, मतलब कवित्री अपने कार से बाहर देखती है विंडो से। तो वहां से एक युवा वृक्ष पूरी गति की तरफ से भाग, मतलब जब हम कार में चलते हैं तो वृक्ष वगैरह पीछे की ओर भागते हैं, उसी सीन को कवित्री देखती है। वह देखती है कि पर्सन बच्चे मतलब खुश बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हैं। बेजीवन का प्रतीक, मतलब उनका जीवन स्टार्टिंग हुआ है अपना जीवन। तो फ्रेंड्स, वे खुशी से अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो मतलब ये जीवन का प्रतीक है। वे पीली दिखने वाली बुढ़ी माँ से विपरीत है, मतलब उसकी माँ की तरफ उसने देखा था जब वो पीली पड़ी हुई थी, मतलब वह मृत्यु का प्रतीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स, पे एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वहां पे जो टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो वहां जांच से गुजरते हैं और कुछ दूर तक खड़ी होकर उसकी, मतलब लेखिका उसकी माँ को देखती है। उसकी माँ कैसी दिखाई देती है, तो फ्रेंड उसकी माँ सर्दियों में जो रात को देर से नजर आने वाले चांद की तरह, मतलब सर्दियों में हम चांद को देखते हैं वो थोड़ा सा लेट नजर आता है, उसकी तरह पीली और कमजोर दिखाई देती है। इससे उसके दिल में दर्द, मतलब जो पहले उसने दर्द को अपने दिमाग से निकाला था, वह दर्द दोबारा उत्पन्न हो जाता है और उसको पुराना भय लौट आता है। और उसकी माँ शीघ्र इस दुनिया से मतलब प्रस्थान करने वाली है, ये सारी बातें उसके द्वारा से याद आ जाती है। उसकी हालत सुधर की, मतलब उसकी हालत में कोई भी सुधार की आशा नहीं है, ठीक है। तो अब आगे लिखा हुआ है, तब कवित्री अपनी माँ को अलविदा कहती है, मतलब माँ से अपने हाथ वगैरह हिलाकर अलविदा कहती है। कवित्री मुस्कुराती है और अपने माँ को शीघ्र मिलने की आशा करती है, मतलब उसकी माँ को कहती है कि हम मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस कविता में इतना ही। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और फ्रेंड आपको कमेंट में बताना है कि इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो या फिर कुछ और नया मॉडिफिकेशन करके आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो फ्रेंड, धन्यवाद आप हमारी वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।